हेलो स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशन सीखी, उसके बाद रेकरेंस फार्मूला किया जिसमें हमने सीखा गामा एन माइनस वन इज गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन इफ एन इज ग्रेटर देन वन बट इट इज अ रियल नंबर। लेकिन अगर एन एक इंटीजर है और ग्रेटर देन वन है तो गामा एन क्या आ जाता था, एन माइनस वन फैक्टोरियल। फिर हमने रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन किया, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन डिवाइडिंग बाय गामा एम प्लस एन। फिर गामा वन बाय टू की वैल्यू निकाली, रूट वन बाय टू। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं पहले, फिर हम इसकी आगे प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी रूट एक्स e की पावर माइनस एक्स क्यूब डीएक्स। देखिए, जब भी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे दिमाग में गामा फंक्शन आएगा, अगर साथ में e की पावर और आ जाए तो। बीटा और गामा में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, गामा फंक्शन में हमेशा e की पावर में कुछ ना कुछ जरूर होगा। लिमिट तो बीटा में भी जीरो से इन्फिनिटी हो सकती है। हमने एक फॉर्मूला किया था कि बीटा एम एन होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन बटा वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। यहां हम इसे e की पावर माइनस सिंगल वेरिएबल चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था, तो हम x क्यूब की जगह क्या पुट करेंगे, y। x कितना आ जाएगा, y की पावर वन बाय थ्री, डी एक्स आ जाएगा वन बाय थ्री वाई की पावर वन बाय थ्री माइनस वन डी वाई। बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव हमने कई बार किया हुआ है, टू बाय थ्री डी वाई। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको i के बराबर ले लूं, लिमिट सेम रहेगी, यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं हम, जीरो टू इन्फिनिटी x की पावर वन बाय टू, तो y की पावर वन बाय थ्री पहले है और वन बाय टू यहाँ, e की पावर इसकी जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वाई, डी एक्स की जगह वन बाय थ्री वाई की पावर माइनस दो बटा तीन डी वाई। क्या बनेगा, ये वन बाय थ्री बाहर आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी y की टोटल पावर इकट्ठी कीजिए, एक बटा छह ये हो गया, माइनस दो बटा तीन यहाँ आ गया, e की पावर माइनस वाई डी वाई। क्या बन गया जी, वन बाय थ्री जीरो टू इन्फिनिटी y की पावर छह एलसीएम आएगा, वन माइनस फोर e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, यानी ये बन गया माइनस तीन बटा छह माइनस एक बटा दो। तो ये बनेगा गामा माइनस एक बटा दो प्लस वन, यानी कि गामा वन बाय टू, और गामा वन बाय टू कितना होता है, रूट पाई बाय थ्री। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन जीरो टू थ्री डी एक्स डिवाइडिंग बाय रूट थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसमें ई की पावर नहीं है, इसका मतलब ये साउंड कर रहा है बीटा फंक्शन की तरह से। तो इसे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो एक तरह से रूट एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, थ्री माइनस एक्स। अब देखिए, अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, x की पावर माइनस वन बाय टू थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स। रिकॉल कीजिए बीटा फंक्शन को, x की कुछ पावर चाहिए, साथ में हमें वन माइनस एक्स चाहिए, यहाँ क्या आया हुआ है, थ्री माइनस एक्स। तो यहां वन लाने के लिए हम x को कुछ पुट कर देंगे, सपोज हमने थ्री जेड पुट कर दिया, तो dx कितना आएगा, थ्री डी जेड। लिमिट क्या आ जाएगी, जब हम थ्री पुट करेंगे, थ्री इज इक्वल टू थ्री जेड, तो जेड इज इक्वल टू वन, जीरो पुट करेंगे तो जीरो, x की जगह पुट कीजिए थ्री जेड माइनस वन बाय टू, थ्री माइनस थ्री जेड पावर माइनस वन बाय टू, डी एक्स की जगह पे थ्री डी जेड। थ्री की टोटल पावर कितनी होगी, माइनस वन बाय टू, यहां से थ्री कॉमन आएगा माइनस वन बाय टू, और एक यहाँ पर प्लस वन, इसे हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, जेड की पावर माइनस वन बाय टू, और यहाँ वन माइनस जेड की पावर माइनस वन बाय टू डी जेड। ये तो कैंसल हो गया, वन बन गया, ये आपका बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि बन जाएगा बीटा ऑफ माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन, यानी कि बीटा ओ वन बाय टू कोमा वन बाय टू। अब
क्या बनेगा, बीटा एम एन किसके बराबर था, रिलेशन यूज करिए, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन इंटू बटा गामा एम प्लस एन, ये बन जाएगा गामा वन बाय टू गामा वन बाय टू डिवाइडिंग बाय गामा वन बाय टू प्लस वन बाय टू, यानी कि गामा वन और गामा वन बाय टू रूट पाई, ये भी रूट पाई, तो ये पाई बन गया, नीचे गामा वन वन के बराबर होता है, ये कुल मिला के आंसर आ गया हमारा पाई के बराबर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर एन ई की पावर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। हाँ जी, क्लियरली साउंड कर रही है कि गामा फंक्शन में कन्वर्ट होगा क्योंकि ई की पावर आ गई, और ये चीज हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करें, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को कुछ पुट कर देते हैं वाई, तो एक्स स्क्वेयर कितना आएगा वाई बटा ए स्क्वेयर, एक्स कितना आएगा रूट वाई बटा ए, तो यहां से डी एक्स कितना आ जाएगा वन बाय ए इंटू वन बाय टू रूट वाई इंटू डी वाई। व्हाट अबाउट लिमिट, इन्फिनिटी तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, अगर एक्स इन्फिनिटी है तो वाई अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा, तो लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, इसको भी आई मान लीजिए आई, एक्स की जगह पे रूट वाई बाय ए मीन्स वाई की पावर एन बाय टू ए की पावर एन, ए की पावर माइनस वाई, डी एक्स की जगह वन बाय टू ए रूट वाई डी वाई, कॉन्स्टेंट हमको बाहर निकाल देते हैं तो टू बाहर आएगा, ए की पावर एन यहां से वन यहां से एन प्लस वन जीरो टू इन्फिनिटी, वाई की टोटल पावर एन बाय टू ये और माइनस वन बाय टू यहां पर आ जाएगी, ए की पावर माइनस वाई डी वाई क्या बनेगा वन बाय टू की ए की पावर एन प्लस वन, ये बन गया जी बीटा फंक्शन में क्या बनेगा एन बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन, सॉरी गामा फंक्शन एन बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन कितना बन जाएगा वन बाय टू ए की पावर एन प्लस वन गामा ऑफ एन प्लस वन बाय, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, 90% यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है। इट सेज एक्सप्रेस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर पी 1 माइनस एक्स की पावर क्यू की पावर एन इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन वेयर पी क्यू एन ऑल आर पॉजिटिव एट हैंस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 10 डीएक्स। पहले इसे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर गामा में, क्योंकि देखिए नजर आ ही रहा है ई की पावर तो है ही नहीं, डायरेक्ट गामा में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, पहले बीटा में कन्वर्ट करेंगे फिर रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा को यूज करते हुए इसे हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करें, नजर आ रहा है एक्स की पावर क्यू को पुट कर देते हैं वाई, एक्स कितना बन जाएगा वाई की पावर वन बाय क्यू, तो डी एक्स क्या बनेगा डेरिवेटिव कर रहे हैं वन बाय क्यू नीचे आएगा वाई की पावर वन बाय क्यू माइनस वन इंटू डी वाई, लिमिट सेम रहेगी जीरो टू वन आई के इक्वल, एक्स की पावर पी एक्स कितना है वाई की पावर वन बाय क्यू तो वाई की पावर पी बाय क्यू, वन माइनस वाई रेस टू पावर एन और डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी इंटू डी एक्स भी था यहां पर वन बाय क्यू वाई की पावर वन बाय क्यू माइनस वन इंटू डी वाई, वन बाय क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देते हैं वाई को इकट्ठा कीजिए पी बाय क्यू प्लस वन बाय क्यू माइनस वन वन माइनस वाई एंड इट्स पावर एन, यस इट्स पावर एन इंटू डी। बीटा फंक्शन में क्या बनेगा ये वन बाय क्यू बीटा ऑफ इसमें प्लस वन करेंगे मतलब पी प्लस वन बाय क्यू इसमें प्लस वन करेंगे एन प्लस वन, बीटा से गामा में कन्वर्ट करते हैं रिलेशन यूज करते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ एम प्लस एन, तो क्या बन जाएगा वन बाय क्यू इंटू गामा p
टी प्लस वन बाय टू गामा एन प्लस वन बाय टू डिवाइडिंग बाय पी प्लस वन बाय टू प्लस एन प्लस वन पी प्लस वन बाय क्यू पी प्लस वन बाय क्यू सॉरी गामा एन प्लस वन पी प्लस वन बाय क्यू प्लस एन प्लस वन बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइडिंग बाय गामा एम प्लस एन। इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनको कंपेयर कर लीजिए। जब हमें इसे इवेल्युएट करना है, इसे आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, इसे बीटा फंक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम यहीं से इसकी वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। p कितना है 5, क्यू है 3, n है 10। तो यहां से पुट करेंगे तो 0 टू 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 dx क्या बनेगा 1 बाय क्यू 1 बाय 3 p प्लस 1 5 प्लस 1 6 क्यू 3 एन प्लस वन 11 पी प्लस वन बाय क्यू पी प्लस वन 5 एंड 1 6 बाय क्यू 3 प्लस एन प्लस वन 11 टोटल गामा आएगा कितना बनेगा 1 बाय 3 इंटू गामा 2 गामा 11 डिवाइडिंग बाय गामा 13 कितना बन गया ये 1 बाय 3 गामा 2 रेफरेंस फार्मूला यूज कीजिए 1 फैक्टोरियल गामा 11 10 फैक्टोरियल गामा 13 12 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व होगा इजी है, ये 10 फैक्टोरियल नीचे वाले को खोल दीजिए 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल ये कैंसल, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 396 इज द आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डिवाइडिंग बाय ए प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स इट इज इक्वल गामा एम गामा एन डिवाइडिंग बाय ए की पावर एन 1 प्लस ए की पावर एम इंटू गामा ऑफ एम प्लस एन। ये हमें प्रूव करना है। हाँ जी, आई के बराबर ले लेंगे इसको, थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं, जो x की पावर है इसे स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं दो पार्ट में तीन पार्ट में, x बटा a प्लस x अलग कर दिया पावर m माइनस 1 में, उसके बाद 1 माइनस x के बटा में a प्लस x अलग कर दीजिए पावर n माइनस 1, कितना बच गया m प्लस n था टोटल, m माइनस 1 यहां निकल गया n माइनस 1 यहां निकल गया तो m प्लस n माइनस 2 हो गया, मतलब 2 कम रहा ये, तो हम क्या करेंगे dx के साथ में अलग कर दीजिए a प्लस x का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे इसे पुट करेंगे, जनरली याद कर लीजिए x की जगह पे z ऊपर वाले की जगह पे और नीचे कांस्टेंट एज इट इज और नीचे वाले वेरिएबल की जगह पे 1 पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का 1 इंटू डी एक्स और ये कितना बनेगा डी जेड बटा ए प्लस, यहां से x कैंसल तो a बटा a प्लस x का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बटा ए प्लस 1, ये a यहां से उठा के यहां ले जाइए, इसे हमने एज इट इज रखा है क्यों क्योंकि ये हमारे पास है जिसकी हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। चलो इसकी भी पुट हो जाएगी इसकी भी हो जाएगी, अब इसकी बारी आई, हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ax plus x is equal to az plus xz, x कंबाइन कर लीजिए ये x हो गया a plus 1 minus z is equal to az, तो x आ गया जी az बटा a plus 1 minus z। अब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी 1 माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, वैल्यू रखते जाइए 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है ए जेड बटा ए प्लस 1 माइनस जेड,
a प्लस एक्स की वैल्यू रखिए ए जेड बटा ए प्लस वन माइनस जेड, यहां से एलसीएम आएगा a प्लस वन माइनस जेड, क्या बनेगा a प्लस वन माइनस जेड माइनस ए जेड, नीचे एलसीएम आएगा a प्लस वन माइनस जेड, ये बन जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए जेड प्लस ए जेड, ये इससे कैंसल ये इससे कैंसल, ऊपर बच गया a प्लस वन, इन दोनों में से माइनस जेड कॉमन लेते हैं a प्लस वन, नीचे a कॉमन लेते हैं a प्लस वन, ऊपर बन गया जी a प्लस वन सारे में से कॉमन वन माइनस जेड, नीचे बन गया जी a इंटू a प्लस वन, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम रखना शुरू करते हैं वैल्यूज, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती है, इसकी जगह पे हम ये रखेंगे, मैं इसको रख करूं जो मुझे नहीं चाहिए, चलिए यहां से रब कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की है, इंटीग्रेशन सेम रहेगा, लिमिट पुट करेंगे वन बटा ए प्लस वन, ए प्लस वन से ए प्लस वन कट गया, जेड इज इक्वल टू वन, जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा जीरो, सारे जीरो हो जाएगा, इसकी जगह पुट करेंगे जेड बटा ए प्लस वन पावर एम माइनस वन, इसकी जगह कितना आया था अभी हमने निकाला था वन माइनस जेड बटा ए, तो 1 माइनस जेड बटा ए सारे की पावर एन माइनस वन, और इसकी जगह पे आया था डी जेड बटा ए इंटू ए प्लस वन, करिए इन्हें इकट्ठा, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं, एक तो ए है ए की पावर एन माइनस वन, यहाँ है वन यहाँ है तो ए की पावर एन आएगा, ए प्लस वन की पावर कितनी आएगी एम माइनस वन, यहाँ है और वन यहाँ है तो एम आएगी, बाकी क्या बच गया z की पावर m माइनस वन और 1 माइनस z की पावर n माइनस वन, इट्स क्लियर टू सी कि ये बीटा फंक्शन में बदल चुका है, a प्लस वन की पावर m, ये बन गया जी बीटा, एक ज्यादा m एक ज्यादा m, क्या बनेगा 1 बाय a की पावर n a प्लस वन की पावर m, खोलिए इसको रिलेशन बीटा गामा, गामा m गामा n डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ m प्लस n, इजी था लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, एक और छोटा सा रिजल्ट है लेकिन बहुत बार आ जाता है ये भी एग्जाम्स में या कंपटीशन में, बहुत छोटा रिजल्ट, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिटी एक्स की पावर फोर माइनस इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय वन प्लस एक्स की पावर ट्वेल्व, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ट्रिक से सॉल्व होगा अदरवाइज इसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसे लिखिए x की पावर अंदर खोल दीजिए x की पावर 6 1 प्लस x की पावर 12, इसे करिए अलग अलग 1 प्लस x की पावर 12 0 टू इनफिनिटी x की पावर 6 x की पावर 12, हाँ जी 4 को हम लिख दें 5 माइनस 1, 6 को लिख दें 7 माइनस 1, 7 और 5 दो नंबर आ रहे हैं तो 12 को लिख दें 5 जमा 7 5 प्लस 7, लो जी अगर मैं इसको मान लूं m 5 को और n मान लेती हूं 7 तो ये क्या बन गया x की पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n, x की पावर n माइनस 1 बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n, मतलब ये भी बीटा एम एन ये भी बीटा एन एम ये बीटा एन एम, और सिमेट्रिक होते हैं एम एन और एन एम, ये दोनों सेम है ये कट गए, सो इट्स आंसर इज जी, इजी था क्वेश्चन काफी। नाउ कमिंग टू वन मोर आर्टिकल फॉर दिस लेक्चर, इट सेज इवैल्यूएट 0 टू इनफिनिटी सॉरी 0 टू 90 साइन रेज टू पावर पी एक्स कोस रेज टू पावर क्यू एक्स बोथ पी इज ग्रेटर देन माइनस वन क्यू इज ग्रेटर देन माइनस वन, सॉल्व करना है इसे। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम साइन स्क्वेयर एक्स को ही पुट किया करते हैं, सपोज हमने वाई पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करिए 2 साइन एक्स कोस एक्स dx is equal to dy, लिमिट क्या आएगी पहले थोड़ा अरेंज कर लें इसे,
इसे कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर पी बाय टू, क्योंकि साइन स्क्वायर को पुट करना है, उसी फॉर्म में से अरेंज कर लिया। इसको कोस स्क्वायर कर दे, नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर की जगह क्या कर दे, आई इज इक्वल टू एज यूजुअल, बार बार भूल जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर पी बाय टू, कोस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यू बाय टू, लिमिट 90 पे 1 हो जाएगा, 0 पे 0, साइन स्क्वायर की जगह वाई पी बाय टू, वन माइनस वाई क्यू बाय टू, डी एक्स की जगह पे डी वाई बटा 2 साइन एक्स, इसे यही कर दें, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब रूट वाई, कोस एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो डी एक्स कितना बना है, डी वाई डिवाइडिंग बाय 2 रूट वाई इंटू 1 माइनस वाई, रखिए वैल्यू 2 रूट वाई रूट 1 माइनस वाई, 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, y की टोटल पावर p बाय 2 यहाँ है, माइनस 1 बाय 2 यहाँ से आएगी, 1 माइनस वाई की टोटल पावर q बाय 2 यहाँ है, माइनस 1 बाय 2 यहाँ से आएगी, कीजिए इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट, p बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, q बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, कितना बन गया 1 बाय 2 बीटा ऑफ p प्लस 1 बाय 2 q प्लस 1 बाय 2, यहाँ छोड़ना चाहे तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कन्वर्ट करना चाहे अगर इसको गामा फंक्शन में तो वो भी कर सकते हैं, 1 बाय 2 गामा m, गामा m फार्मूला रिवाइज करवा रही हूँ, डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, क्या बन जाएगा 1 बाय 2, बस और तो सॉल्व कुछ होगा ही नहीं है, इतना ही रखना पड़ेगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए यहां से कि इंटीग्रेशन 0 टू 90 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 बाय 2 गामा ये पावर प्लस 1 बाय 2 ये पावर प्लस 1 बाय 2 डिवाइडिंग बाय पी प्लस 1 बाय 2 प्लस क्यू प्लस 1 बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, अभी एक लेक्चर कम से कम हमें और चाहिए गामा फंक्शन के लिए, जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, बट प्लीज 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 आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, सिर्फ देखने से और कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम आए वो जरूर बताइए और कुछ क्वेश्चंस अपने आप भी सॉल्व करके देखिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, हैव अ गुड डे।